जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम कोई भी गलती करें, छोटी हो या बड़ी हो, गलती तो गलती होती है। जब भी हम गुरु जी से कोई गलती की माफ़ी मांगते हैं तो गुरु जी हमें माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु जी से कैसे माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, सुबह से लेकर रात तक मुझे वाइट तितली रूप में दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझे उस दिन हर तरफ बस बटरफ्लाइज ही दिखाई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। गुरु जी, मैं किसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आप मुझे हिंट्स भी देते होंगे, पर मुझ पागल को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कुछ। प्लीज़ गुरुपा, आपसे अरदास है, मेरी कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं सुबह इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी हो रही थी तो घर के बाहर एक साधु दक्षिणा लेने के लिए आए। वो हमारे घर काफ़ी आते हैं, पर हमेशा दादी और मेरे पापा ही उन्हें दक्षिणा देने जाते हैं। पर आज मैं गई क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आई कि वो मेरे गुरुपा आए हैं। जब मैं गई, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और संगत जी प्रसाद भी दिया। पहले कभी मेरी फैमिली में किसी को उन्होंने प्रसाद नहीं दिया था, पर मुझे दिया तो मुझे यकीन हो गया ये तो मेरे गुरुजी ही आए हैं। फिर वहीं पर मेरे सामने एक वाइट बटरफ्लाई आ गई और मैं इतना खुश हुई। सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। आज मेरे पापा का बर्थडे है। सुबह सुबह उठकर जैसे ही मैंने गुरुजी को बताया, अपना फ़ोन देखा तो सबसे पहला मैसेज हैप्पी बर्थडे का था और गुरुजी का स्वरूप था। मैं इतना खुश हुई संगत जी। कल मैं कोई एग्ज़ाम फिल कर रही थी पर उसकी पेमेंट नहीं हो रही थी, और कल वैसे भी मेरा दिन अच्छा नहीं गया था तो मैं बहुत टेंशन में भी थी। गुरुजी तो कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, पर हम तो इंसान हैं फिर भी टेंशन लेते रहते हैं। आज सुबह मैंने जब ट्राई करा तो वो फिर से पेमेंट नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने भाई से कहा और जब उसने पेमेंट करी तो हो गई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैंने गुरुजी से एक और माफ़ी मांगनी है। मेरा कोई टेस्ट था तो मैंने उसमें चीटिंग करी थी। कल मुझे सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया कि अपनी मेहनत से अपना काम करो, तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी चीटिंग नहीं करूँगी। आप बस मेरे साथ ही रहना। आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम कोई भी गलती करें और गुरुजी से माफ़ी मांगें तो गुरुजी हमें माफ़ कर देते हैं। गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है। अगर हम गुरुजी से जितनी भी बड़ी गलती की माफ़ी मांगेंगे तो हमें गुरुजी माफ़ ज़रूर करेंगे और गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।